एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग, और आज हम देखने जा रहे हैं कर्मा, यानी कि जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है और आपको इस स्टेज पर लाकर खड़ा करा है, तो उस पर्सन को उसके किए की क्या सज़ा मिलेगी या उसे कभी उसका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखने जा रही हूँ। इस रीडिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं, बस एक मन में है कि हमें पेड़ मिला है तो क्या बदले में उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी क्यूरियोसिटी हर किसी के मन में रहती है, तो वही आपके मन में भी होगी, तो उसी सवाल का जवाब देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कर्मा की रीडिंग यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं करी जा रही है। आपके मन में जब आप ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो भी पर्सन आता है, चाहे फिर वो आपके मन में कोई थर्ड पार्टी हो, आपके पार्टनर हो, कोई दोस्त यार हो आपका जिसने आपके साथ बहुत बुरा करा है, आपका आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया है, तो जो भी कोई पर्सन आपके मन में आता है ना रीडिंग के दौरान या रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, बस आपको उसी को ध्यान में रखकर पूरी रीडिंग को देखना होगा। ठीक है, कि उसने आपको जिसने भी दुख दर्द दिया है ना, उसका नाम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में आ जाता है, तो वो ही आपको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखना होगा। तो मैं यहाँ पर ये ना देख लूँ कि भाई मैं नहीं चाहती उसका बुरा या अच्छा, मैं भी नहीं चाहती हूँ किसी का बुरा या अच्छा, लेकिन जिसने जो करा है उसे उसके किए की सज़ा तो मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसको उसके करे की सज़ा नहीं मिलती, तो वही सज़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए, जिस किसी ने भी व्यूअर्स का दिल दुखाया है, रुलाया है, यूं सताया है, उस इंसान के कर्मा के बारे में बताइए यूनिवर्स, क्या उस इंसान को उसके कर्मा की सज़ा मिलेगी या नहीं, गाइड कीजिए। बताइए, लव योर बॉडी, रिलीव एंजाइटी, टेक पॉजिटिव एक्शन, ग्राउंड योरसेल्फ, शो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ओवरऑल एनर्जी है रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग। मैं आपको उस पर्सन के बारे में भी बताऊंगी जो भी जिसके लिए ये देख रहे हैं रीडिंग, तो ऑब्वियसली आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उसे तो जानते ही होंगे। ठीक है, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, जिस किसी ने भी व्यूअर्स का दिल दुखाया है, रुलाया है, यूं सताया है, उस इंसान को उसके कर्मा की क्या सज़ा मिलेगी, क्या उस इंसान को उसके कर्मा की सज़ा मिलेगी या नहीं। पीसफुल अमंग थ्रोन्स, अलोन इन द वर्ल्ड, एंगर एंड चेयर, कलरलेस एंजल्स, ब्यूटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग द स्टॉर्म। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस इंसान की, वो किस किस्म का इंसान है जिसने आपका दिल दुखाया है, यूं सताया है, फिर बात करेंगे कर्मा की। देखिए, ये जो भी इंसान है इसे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी बॉडी से, अपने लुक से, अपने ओहदे से, या इनके पास जो भी चीज़ है ना उस चीज़ से इस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार है। ये इंसान ना
दूसरों को एनजाइटी देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय लेने के, एज एन कि ये इंसान ना जो अपने आप से रिलीफ हो पाते हैं वो तभी हो पाते हैं जब ये दूसरे की लाइफ में एनजाइटी क्रिएट कर देते हैं, जब दूसरे को परेशान कर देते हैं। यानी कि ये पर्सन जो चार्ज होते हैं ना, वो दूसरे को परेशान करके, दूसरे की रातों की नींदों को ख़राब करके ये सुकून से बैठ पाते हैं, या इनकी लाइफ में तभी पॉजिटिविटी आ पाती है, इन्हें ऐसा फील होता है, इनकी ऐसी सोच है। तो इनका, इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव करा ही नहीं है, इन्होंने हमेशा ना दूसरों की लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं जिससे वो इंसान रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया या रह गई, जिससे उस इंसान को खुद ब खुद गुस्सा आता है। मतलब वो गुस्सा नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन इस इंसान का जो भी एक्शन होता है वो इसी मोटिव की वजह से होता है, इसी मोटिव के साथ होता है कि उसे मुझे गुस्सा दिलाना है, उसे मुझे परेशान करना है, उसे मुझे चेन में बांधना है। मतलब उसे इतना डिस्टर्ब कर देना है कि वो वहीं पर बैठे बैठे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। ये जो भी इंसान है ना, इसके पैर खुद ब खुद ज़मीन पे नहीं हैं, यानी कि ऐसा इंसान है जैसे अपने आप को सातवें आसमान पे मानते हैं। इन्हें ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा ऊंचा, मुझसे ज़्यादा स्टेबल कोई भी नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवता हूँ, मुझे ही चढ़ावा चढ़ना चाहिए या मेरी ही पूजा करनी चाहिए, मेरे ही मुताबिक चलना चाहिए। तो ऐसी सोच इनकी है। रेस्पेक्ट इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी और दूसरों की नज़रों में भी, ये अपने लिए रेस्पेक्ट ही देखना चाहते हैं, भले इनके काम ऐसे ना हो कि इनकी कोई रेस्पेक्ट करे। यानी कि इस किस्म के इंसान है कि ये रेस्पेक्ट ना खुद के काम से नहीं बल्कि जोर ज़बरदस्ती से करवाते हैं, डरा धमका के ये अपने हिस्से रेस्पेक्ट करवाना चाहते हैं। डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, इन सब पर इन्हें भरोसा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चाहते हैं जब चाहते हैं इन्हें वो तब हासिल हो जाती है। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि भाई भगवान ही करेंगे, हमारा जो भी होगा वो भगवान के हिसाब से ही तय होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि इन्हें लगता है मैं जो चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो मुझे मेरे हिसाब से मिल जाता है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पैर डेफिनेटली ज़मीन पर नहीं हैं। ठीक है, दूसरों की लाइफ में तूफान लेकर आना, दूसरों की लाइफ में डिस्टरबेंस लेकर आना इन्हें बहुत पसंद है। यानी कि इनका अपने आप को बिज़ी करने का, या ये कहते हो ना कि खाली टाइम में अपना अपने आप को बिज़ी करने का ये एक काम है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गुस्सा इस इंसान को बहुत जल्दी आता है, यानी कि नाक पर इनके गुस्सा रहता है, और इनके गुस्से आने के पीछे की वजह है कि अगर सामने वाला या वाली पर ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उस पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर अगर ये डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। तुरंत ये अपना वो चीज़ें ना गुस्से के आगे दिखा देते हैं और सामने वाला अल्टीमेटली इनकी बात मान लेता है या मान लेती है। इन्हें ना सुकून तभी मिलता है जब इनके सर पर लोग इनका ताज रख दें, यानी कि सब इन्हें अपने सर माथे रखें, तो वही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। अपने आप को ये इकलौता ऐसा इंसान मानते हैं पूरी दुनिया में जिसे पूजना चाहिए, यानी कि इस इंसान की ये सोच है, एकदम नार्सिसिस्ट टाइप के ये हैं कि भाई मैं ही दुनिया हूँ, मुझे ही दुनिया मानो, उसके अलग और किसी को आपको दुनिया नहीं मानना है। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये ना दूसरों से बहुत ज़्यादा जेलेसी भी फील करते हैं। मतलब होता है ना बहुत से लोगों का कि दूसरों की खुशी, दूसरों की लाइफ के कलर्स इनसे देखे नहीं जाते, कुड़ते हैं दूसरों की तरक्की को देखकर, तो उस किस्म के भी ये मुझे इंसान दिख रहे हैं। ठीक है, और लालची बहुत ज़्यादा हैं, पैसों का लालच इन्हें बहुत ज़्यादा है। जैसे भी हो, किसी का भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन अपना मतलब सीधा होना चाहिए, तो ये उस किस्म के इंसान हैं। तो आप खुद सोच सकते हो अगर ये इस किस्म के इंसान हैं तो इनके लिए कर्मा की रीडिंग देखना भाई कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं कि भाई ये किस किस्म के इंसान हैं, और आप अब समझ पाए होंगे कि किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जिसने आपकी लाइफ को हेल बना रखा है। और अब आप जानना चाहते हो कि भाई इस इंसान को इसका क्या कर्मा मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखना तो डेफिनेटली बनता है इस इंसान के कर्मा को।
गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए कि इस इंसान को इसके कर्मा की सजा मिलेगी या नहीं। गाइड कीजिए। फॉल्स पर्सन, झूठा तो ये कोई भी है, जो भी है, बहुत झूठा किस्म का ये इंसान है, या फीमेल भी हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही है, ठीक है। कोर्ट हाउस, हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये जो भी इंसान है ये लॉयर वगैरह हो, ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। घर के मुखिया भी हो सकते हैं ये, पैसों का लालच तो इन्हें डेफिनेटली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड मैसेज, देखो सबसे पहली चीज़, ये इंसान ना डेफिनेटली झूठा मास्क लेकर बैठे हैं और अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं लोगों से, लोगों की नज़रों में अपने लिए रेस्पेक्ट देखना चाहते हैं। और इनका कर्मा यहाँ पर यही है कि इनका ये जो झूठा चेहरा है ना, वो लोगों के सामने डेफिनेटली आएगा, उन्हीं लोगों के सामने जिनकी आंखों में इन्होंने कभी एक वक्त पे इज्जत देखी थी, जिसमें आप भी शामिल थे, ठीक है। और जैसे आपकी नज़रों में से इनके लिए वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत ख़त्म हो गई है, इनका झूठा मास्क जैसे आपके सामने उतरा है ना, ऐसे ही उन सभी लोगों के सामने इस पर्सन का ये झूठा मास्क उतरेगा, जिनके सामने ये अपने मास्क को खोलना नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस के चक्कर में फंसेंगे, जिनसे इनका बाहर निकल पाना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। उन कोर्ट केस में फंसने के बाद अल्टीमेटली इस पर्सन से इसकी जॉब, इनका कैरियर, इनका पैसा, इनके माइंड का जो सुकून है वो सब छिन जाएगा, और साथ में छिनेगा इनका वक्त, इनका समय, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसा यहाँ पर जितना ज़्यादा इस पर्सन को प्यारा है, वो इस पर्सन से दिन पर दिन यहाँ पर छूटेगा। पॉसिबिलिटी है कि इन्हें कोई ऐसी आदत हो जाए, कोई ऐसी बुरी आदत इन्हें हो जाए, जिसकी वजह से ये जुआ वगैरह खेलने लगे और उसमें भी ये काफ़ी सारा नुकसान अपना कर बैठे। और ये सभी चीज़ें बेसिकली इस पर्सन की लाइफ में इसीलिए होंगी क्योंकि इनका कर्मा इन पर आ रहा होगा। ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को मेन मुखिया मानकर बैठे हैं ना, या मनवाना चाह रहे हैं परिवार में, वो सभी जब इस इंसान के असली चेहरे को देख पाएंगे ना, तो वो सभी इस पर्सन के सामने सामने छूटेंगी। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है इस पर्सन के ना कुछ ऐसे राज हैं जो इन्होंने बहुत दबाकर रख रखे हैं, किसी के सामने इन्होंने लाए नहीं है, और वो सारे राज ना खुलेंगे, वो राज इनके यहाँ पर अपने आप से खुलते चले जाएंगे, और वो भी इस पर्सन के कर्मा को ही डिनोट करता है पूरी तरह से, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि इस इंसान को जो अपनी इज्जत प्यारी है, पैसा प्यारा है, अपना ओहदा प्यारा है, वो तो यहाँ पर छूटेगा ही इस इंसान से, वो तो यहाँ पर है। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को जिसने व्यूअर्स का दिल दुखाया है, रुलाया है, यू सताया है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को जिसने व्यूअर्स का दिल दुखाया है, रुलाया है, यू सताया है, यू परेशान करा है। गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा मिलेगा उस इंसान को, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दीजिए, डेविल। पॉसिबिलिटीज़ है कि इंसान थोड़ा ना नेगेटिविटी का भी काम करते हों, जैसे काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब भी करते हों, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। देखो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर ये इंसान कुछ इस तरह के काम करते हैं, दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाना या ये जादू टोना वगैरह करना और उसके थ्रू उसे सामने वाले को कंट्रोल करना, तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन के पास लौट कर आएंगी। वो सभी चीज़ें इस पर्सन से अपने करे हुए काम का इंटरेस्ट मांगेगी, ब्याज मांगेगी, और अल्टीमेटली वो जब इस पर्सन से, वो सारी काली शक्तियाँ इस पर्सन से जब अपने करे हुए का मांगेगी ना, तो इस पर्सन से इसका बहुत कुछ
छिन जाएगा, बहुत कुछ इस पर्सन से इसका छूट जाएगा। उसमें इस पर्सन की इज्जत आती है, रेस्पेक्ट आती है, पैसा आता है, स्टेबिलिटी आती है, रिश्ते आते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन से छीन लिए जाएंगे या ले लिए जाएंगे। एज अ जो भी उन्होंने, जिन भी काली शक्तियों ने इस पर्सन के लिए काम करा है, वो सभी इनसे अपने करने का, ये कह सकते हो कि सैलरी लेंगे, ठीक है, वो चीज़ें इस पर्सन को देनी होगी। और अल्टीमेटली तब से शुरू होगा इस पर्सन का कर्मा। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि तब से इस पर्सन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये पूरी तरह से अकेले रह जाएंगे। पास में पैसा है लेकिन कोई साथ में वो इंसान नहीं है जिसे ये अपना कह पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आप चारों कार्ड्स देख सकते हो, एकदम अकेले पड़ जाएगा ये जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए रीडिंग नहीं देख रही हूँ कर्मा की। यहाँ अकेले, यहाँ अकेले, यहाँ अकेले, यहाँ अकेले, यानी कि ये पर्सन का सबसे ज़्यादा जो कर्मा है, अकेले पड़ना, अकेले पड़े पड़े सड़ना, ठीक है। अगर तबीयत भी ख़राब है तो कोई इनके पास नहीं है इनकी तबीयत में इनकी देखभाल करने के लिए। अगर पैसे की ज़रूरत है तो इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन्हें पैसों से भी मदद कर दे, क्योंकि यहाँ पर इनके झूठे चेहरे यहाँ पर खुलेंगे। रिश्तों में जितना ज़्यादा ये अभी कूद रहे हैं या जिस रिलेशनशिप में ये हैं उसमें जितना ज़्यादा ये पर्सन अभी स्टेबल हैं, वहाँ पर इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलेगी। और पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये उस रिश्ते को खुद ख़त्म करें, खुद से उस रिश्ते पर लात मारें, और वो सब करने के पीछे की वजह है ये शक्तियाँ जो इनसे करवाएंगी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि यही शक्तियाँ इस पर्सन को इतना ज़्यादा षड्यंत्र में जो इन्होंने रचा है ना आपके लिए, उस षड्यंत्र में इन्हें ही इतना फंसा दे कि यही अलग थलग जाकर रहे। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये पर्सन कर्मा में वो सब चीज़ें खो देंगे जिस पर आज की डेट में इन्हें गुमान है, वो सब चीज़ें खो देंगे जिसमें आज की डेट में ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं, ठीक है। और एकदम अकेले थकेले ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर रह जाएंगे। और ये सभी चीज़ें क्यों होंगी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और अगर इनकी साइड से कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि इनका कर्मा ही एकदम एज अ नेगेटिव बनकर इनकी लाइफ में आएगा, जो इनसे सब कुछ छीन कर ले जाएगा। रातों की नींदें, ये जो मन का भी सुकून है, एक सुकून भरी ये लाइफ जो जी रहे हैं ना, वो सुकून इनकी ज़िंदगी से इनसे छीन लिया जाएगा। रातों रातों ये सो नहीं पाएंगे, हो सकता है इन्हें मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेशन इनकी लाइफ में इनके इर्द गिर्द मंडराए कि रातों रातों सो ना पाएं। और जब कोई इंसान सो नहीं पाता तो वो पूरे दिन उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेता रहता है या लेती रहती है, तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन की ज़िंदगी में होगा। सब इस पर्सन की अपनी लाइफ से ना, सब लोग इससे छूट जाएंगे, और कोई ऐसा भी नहीं होगा जो इसके जाने के बाद इनके जाने का गम बनाए, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्हें प्यारा है ना ये सब चीज़ें, इनके काम ही ऐसे रही हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इन्हें फेस करनी ही थी। ये तो यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे चैलेंजेस इस पर्सन को अपनी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, जो ये नहीं भी चाहते हैं ना, या किसी लड़ाई झगड़े में अगर ये इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहते हैं, लेकिन बाना कैसे बनेंगे, चीज़ें ऐसी होंगी इस पर्सन के साथ कि ये ना फालतू के उन कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, उनसे निकलना भी चाहेंगे तो भी ये पर्सन निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी ऐसे कोर्ट केस में ये पर्सन फंस जाएं जिससे फिर इस पर्सन का निकलना मुश्किल ही रहेगा, पहाड़ निकल ही नहीं पाएंगे चाहकर भी। और उस इश्यूज़ में, उस कॉन्फ्लिक्ट में अल्टीमेटली ये पर्सन ना मेंटली सिक होना शुरू हो जाएंगे, मेंटली इस पर्सन को इतनी ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे हर वक्त नेगेटिव रहेंगे, हर वक्त एंजाइटी में रहेंगे, हर वक्त किसी न किसी बात पर, छोटी सी छोटी बात पर डिप्रेस्ड हो जाया करेंगे, जैसे राई का खुद ब खुद पहाड़ बना लिया और फिर उस पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी कि मन का सुकून, मन की शांति जो एक वक्त पे आपकी छीन ली थी ना इन्होंने, वो सभी इनसे छीन ली जाएगी। और अल्टीमेटली साथ कोई है भी नहीं जो इन्हें इस
सिचुएशन में इनका साथ दे पाए, इन्हें सपोर्ट कर पाए, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, समय मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो 5 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर अंदर वो फेज़ आएगा इस पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ से इसका कर्मा शुरू हो जाएगा। ठीक है, या कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है मई से लेकर, अब ये जो 2023 का मई है उससे लेकर सेप्टेम्बर के बीच में इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी या इसके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि शनि इन पर भारी होना शुरू हो जाएंगे, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। 5 महीने से लेकर 9 महीने जब भी सामने रीडिंग आती है या मई से लेकर सितंबर के बीच में इस पर्सन के कर्माज, इनके बुरे वक्त, इनके जितने भी नक्षत्र इनका साथ दे रहे हैं वो इनके खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन की शनि की ढैया भी शुरू हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अभी हमारा ये 17 जनवरी को हमारे जो शनि देव हैं वो मूव कर रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं, तो हो सकता है इस पर्सन के ऊपर इसकी शनि की ढैया भी शुरू हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है जो इनके बनते बनते काम बिगाड़ दें, इनकी लाइफ में स्ट्रेस और ये सब चीज़ें क्रिएट कर दें, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं फैलाई गई है तो ये सब करने वाले इस पर्सन की लाइफ में इनके शनिदेव ही होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग, रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग करी गई है। कोई मुझे बार बार बोल रहा था या थी, आई डोंट नो, कि भाई कर्मा की रीडिंग करो मैम, तो मैंने कर्मा की रीडिंग करी। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हो, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।